तो गाइस जब भी आप लोगों को अपने फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना होता है, आप लोग चले जाते हो गूगल पे और वहाँ पे सर्च करते हो बिजी रिमूवर। फिर वहाँ पे एक साइट आता है, आप लोग उसके ऊपर क्लिक करते हो। इस साइट पे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे अपलोड इमेज करने के लिए बोला जाता है, तो आप लोग यहाँ पे अपना इमेज को अपलोड करते हो। फिर आपका जो इमेज का बैकग्राउंड है वो यहाँ पे रिमूव होकर आ जाता है। फिर यहाँ से आप लोग अपनी इमेज को डाउनलोड कर लेते हो। लेकिन जब आप उस इमेज को देखते हो तो आप लोग को पता चलता है कि जो आपको बैकग्राउंड रिमूव करके दिया गया है उसमें जो क्वालिटी है वो बहुत ही गंदा है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो बिजी रिमूवर से हमने फोटो को बैकग्राउंड रिमूव करके डाउनलोड किया है वो बहुत ही ज्यादा गंदा है, मतलब इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही लो है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे HD क्वालिटी में फोटो डाउनलोड नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को पेमेंट करने के लिए बोला जाता है। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को एक ऐसी साइट के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर अगर आप फोटो अपलोड करते हो तो आपका जो फोटो है वो एकदम HD क्वालिटी में बैकग्राउंड रिमूव होकर आएगा। तो गाइस यहाँ पे आप लोग एक फोटो देखो जो मैंने दूसरी साइट से बैकग्राउंड रिमूव करके डाउनलोड किया है, जो कि एकदम हाई क्वालिटी में बैकग्राउंड रिमूव करके मुझे फोटो दिया गया है। तो चलिए आप लोग को बताते हैं कि आप लोग भी मेरी तरह अपने फोटो को बैकग्राउंड को रिमूव करके उसे हाई क्वालिटी में कैसे डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन गाइज उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस साइट को ओपन करने के लिए आपको चले जाना है अपने गूगल पे और वहां पे जाके आपको सर्च करना है erase.bg। आप लोगों को कुछ इस तरह से लिख लेना है और उसके बाद आपको इसे सर्च कर लेना है। इसके बाद आप लोगों के मोबाइल में इसका जो ऑफिशियल पेज है वो यहाँ पे आप लोगों के मोबाइल में ओपन हो जाएगा, जो कि आपको सबसे फर्स्ट में ऊपर erase.bg लिखा हुआ नजर आएगा। इस साइट पे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे नीचे में एक अपलोड इमेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपली आप लोग को इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपका गैलरी है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप जिस भी फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हो आपको उस फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से अपने एक फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा जो फोटो है वो इस साइट पे अपलोड हो रहा है, तो आप लोग को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वेट करना है, फिर जो आपका फोटो का बैकग्राउंड है वो यहाँ पे रिमूव होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे फोटो का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। तो चलिए मैं आप लोग को इसे अभी डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो इस फोटो को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप लोग को नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करना है, फिर आप लोग को यहाँ पे डाउनलोड ओरिजिनल साइज का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप लोग को इसके ऊपर क्लिक कर देना है, फिर जो आपका फोटो है वो यहाँ पे डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो हमारा जो इमेज है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए मैं आप लोग को अभी इसे ओपन करके दिखाता हूँ कि हमारा जो इमेज का क्वालिटी है वो कैसा होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो इमेज अपलोड किया था बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, उसका जो बैकग्राउंड रिमूव होकर आया है वो एकदम हाई क्वालिटी में आया है। तो गाइस यहाँ पे मैंने तीनों फोटो लगा दिया है, यहाँ पे आप लोग कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी साइट का जो फोटो है वो ज्यादा हाई क्वालिटी में आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग भी अपने फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हो हाई क्वालिटी में, तो आप लोग इस साइट का यूज जरूर कीजिएगा। खैर आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो गाइस मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।